हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, जैसा कि कल के वीडियो में आपने देखा होगा, हम लोग एलएपी पहुंच गए थे कल शाम को और बहुत अच्छा रहा हमारा ऊटी की साइट सीइंग और बहुत अच्छे से हमने ऊटी को एंजॉय किया। वहाँ का क्लाइमेट था, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी और बहुत अच्छा रहा कल का ऊटी का पूरा दिन, कल का फिर ट्रैवलिंग का पूरा दिन। उसके बाद अभी सुबह उठते ही जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर आया हूँ तो मुझे ये खूबसूरत सा झूला नज़र आया और बहुत अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है। रात को तो हम आए थे और आकर के बस यहीं पर एक आर्या रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पर चले गए थे खाना खाने। तो हल्का फुल्का वहाँ पर हमने खाना खाया और फिर आ गए थे हम लोग सो गए। तो सुबह जैसे ही उठे हैं तो यहाँ पर ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है और मैंने जैसे यहाँ पर हमारे जॉनसन जी हैं उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने बताया कि एलपी बहुत सुंदर सिटी है और यहाँ पर आपको बीचेस भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको पुराने टाइम के टेंपल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको चर्चेज़ देखने को मिलेंगी, यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत सारी कैनाल्स हैं, यहाँ बहुत सारे बैकवाटर्स हैं और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ यहाँ का जो बैकवाटर्स है वो एलपी उसी के लिए ही मशहूर है। तो आज का जो हमारा दिन रहेगा वो बहुत खूबसूरत रहने वाला है। अभी हम लोग यहाँ की मॉर्निंग टी एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, उसके साथ साथ बीच पे जा कर के मुझे बताया कि आप अपनी बीच पे अपनी गाड़ी लेकर के जा सकते हो और आप तो जानते ही हैं हम तो 4x4 थार लेके आए हैं, तो आज तो बीच पे 4x4 थार का भी एंजॉय करने वाले हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे लगता है आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होगा और ये वीडियो भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि यहाँ एलपी अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत, अभी तो जैसे ही रूम से बाहर निकला हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ग्रीन 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 चारों तरफ और यहाँ के तो नज़ारे ही अलग हैं। तो चलते हैं हम लोग चाय पे और एलपी बीच देख करके आते हैं। दिन में बैकवाटर्स भी एंजॉय करेंगे, बोटिंग करेंगे और बैकवाटर्स में भी चलेंगे, पूरा दिन रहेंगे उस तरफ। तो लेट्स गो, चलते हैं, चले भाई, चलो। तो गाइस, बहुत अच्छे नाश्ते के बाद हम लोग एलपी की ये साफ़ सुथरी सड़कों से निकलते हुए एलपी बीच की तरफ जा रहे हैं और एलपी बीच को हम लोग सुबह सुबह एंजॉय करने वाले हैं। वैसे तो आज बारिश है लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि बीच एरिया में हम लोग सुबह सुबह ही होके आ जाएं ताकि दिन में धूप रहती है तेज तो फिर बन नहीं पाता। तो हम लोग बीच पे जा रहे हैं और यहाँ पर कभी तो बारिश हो जाती है, कभी धूप भी निकल आती है, ऐसे मिक्स मिला जुला सा मौसम चल रहा है आज। नज़ारा बहुत अच्छा है, शहर बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरा है, बिल्कुल क्लीन एरिया है और बहुत अच्छा यहाँ पर हमें लग रहा है। और अभी हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग थार 4x4 पे आए हैं तो यहाँ पर हमें पता चला है कि बीच पर आप लेके जा सकते हैं अपनी कार को, तो हम ले जाएंगे अपनी थार को। बिल्कुल सामने आप देखेंगे बीच में रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन क्रॉस करके
सामने से समुंदर मुझे अभी से ही नजर आने लगा है। क्या ग्रीनरी है, क्या बीच साइड है, क्या शानदार नजारा है। और अभी हम लोग अपनी थार को 4x4 गियर में डाल के फोर व्हील ड्राइव में थार को घुमाने वाले हैं बीच पे और उसको एंजॉय कराने वाले कि थार एंजॉय करेगी तभी तो हम एंजॉय करेंगे। वो सामने एलपी का रेलवे स्टेशन, तो चले बीच पे चले, बिल्कुल सामने ही बीच है। ये बीच में ये फ्लाईओवर है, ये रोड सीधा कन्या NH66 ही है और ये जा रहा है इधर कन्याकुमारी, इधर पनवेल और वो सामने आपको दिखेगा। हम लोग एंजॉय करेंगे यहाँ पे। मिट्टी है थोड़ा 4x4 में डाल लेते हैं इसको, 4H। गाइज अभी हम लोग एलपी बीच पे आ चुके हैं और बहुत रफ है मौसम की वजह से, शायद बहुत ज़्यादा तेज़ी से समुंदर जो है बहुत ज़्यादा डीप यहाँ पर है। लेकिन अभी समुंदर क्या है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर तो खेलने के लिए ठीक है, नहीं कि अगर नीचे हम जाते हैं तो नीचे थोड़ा सा यहाँ पर रिस्की है, समुंदर वापस अपनी तरफ बहुत स्पीड से खींच सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे मौसम बहुत शानदार है, बहुत अच्छा नज़ारा है और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे यहाँ पर लगा वो ये कि यहाँ पर अभी भीड़ भाड़ कम है। दिन का मुझे नहीं पता, दुकानें तो काफ़ी नज़र आ रही हैं लेकिन सुबह के 8 बज चुके हैं, अभी बहुत ज़्यादा रश यहाँ नहीं है, कोई गिनती के 40-50 लोग ही इस बीच पर नज़र आ रहे होंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा यहाँ पर नज़ारा है, बहुत सुंदर बीच है और प्लेन है, साफ़ सुथरा है, क्लीन है। सामने NH66 है और NH66 का मतलब है मुंबई पनवेल से कन्याकुमारी वाला जो हाईवे है, तो बिल्कुल उसी के सामने ही ये बीच है। तो बहुत सुंदर नज़ारा है, तो हम चलते हैं एक बार आगे और मैं दिखा के आता हूँ। एक बहुत सुंदर बोट वहाँ पर खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ ये बोट, चलो।
होगी ऐसा वाला वैसा वाला। अच्छा अच्छा आराम से बैठ के जा सकते हैं, और अगर ये बारिश आई तो वो है ही हो जाएगा। तो ऐसे पानी में चलेंगे हम लोग। अच्छा आगे भी ऐसे ही है, 12 किलोमीटर हो जाएगा। तो गाइस ऐसी बोट पे हम लोग जाने वाले हैं, ये बोट है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं, और ऐसी बोट होगी। तो गाइस जैसे कि हम बात कर रहे थे, हम LFP पहुंच चुके हैं, और LFP में हम लोग अब हाउस बोट पे जा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से हम लोग पूरा बैक क्वार्टर भी सर हमें घुमाने वाले हैं, और बहुत अच्छा यहाँ का नज़ारा रहने वाला है। तो लेट्स गो, चले तो गाइज हम लोग अभी आ चुके हैं बैक वाटर्स ऑफ केरला। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ साइड में आपको, मैं आपको ये हमारे साइड में आपको दिखेगी अभी मार्केट्स, और हम लोग ये मार्केट्स के बीच में से होकर के पूरा बैक वाटर्स जाने वाले हैं। तो बहुत लोग यहाँ पर जो है बोट के थ्रू आते हैं यहाँ पर, और अपनी शॉपिंग भी यहाँ से कर लेते हैं, कुछ ख़रीदारी करनी हो तो ख़रीदारी भी कर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं LFP में, और LFP केरला में है। केरला को बोलते हैं गॉड्स ऑन कंट्री, तो भगवान जी ने इसको खुद अपने हाथों से बनाया है। आप देख पा रहे होंगे कितना शानदार नज़ारा है, और यहाँ पर पीछे सब बहुत विशाल समुंदर है, और समुंदर से यहाँ पर ये पानी जब वापस आ जाता है समुंदर से, तो इस तरीके के यहाँ पर नाले नहरें साथ में यहाँ पर बन जाती हैं, और ये पानी वापस आता है। और ये एक बहुत अच्छी बात और भी है कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे एरियाज में यहाँ पर गांव हैं, और वो गांव इन्हीं बैकवाटर्स के आसपास इतने गांव हैं कि लोगों का जो ट्रांसपोर्ट का जरिया, लोगों का आने जाने का जो जरिया है वो यही बोट्स हैं। तो इसी बोट्स के जरिए लोग आते जाते हैं, उन्होंने मार्केट्स लगाई हुई हैं। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे हम बहुत अच्छे से यहाँ पर घूम पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आसपास हाउस बोट हैं, ये शिकाराज हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर नाइट स्टे के लिए भी रूम बुक कर सकते हैं।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएपी में हैं और हमारा बहुत शानदार दिल्ली टू कन्याकुमारी का जो ट्रिप चल रहा है, इसमें हम लोग कन्याकुमारी से सिर्फ करीब करीब 234 किलोमीटर दूर है। और आज हम लोग यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, ये बैक वाटर्स हैं। बैक वाटर्स का मतलब होता है जब समुंदर का पानी खाली जगह पे अपनी जगह बनाता है, वापस आता है पानी। और यहाँ पर करीब करीब, जैसा कि मुझे यहाँ जो हमारे बोट कैप्टन है उन्होंने बताया कि करीब करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यहाँ पर समुंदर का पानी यहाँ पर जो 12 महीने भरा रहता है, और समुंदर का पानी जब यहाँ पर आ जाता है तो इसके आसपास एरिया में जितने भी गाँव एरियाज़ हैं, बाकी सब एरियाज़ हैं, तो यहाँ पर आने जाने का सारा जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो यहीं से, ये इस तरीके की बोट से होता है। और उसके अलावा हम जैसे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो टूरिस्ट को भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है पानी में। ऐसे इतने अभी हमने अपनी पर्सनल बोट की है तो हम लोगों को ये 3 घंटे के लिए राइड दे रहे हैं, हम 3 घंटे के लिए हमें घुमा के ला रहे हैं पूरे एरिया में। तो 3 घंटे में करीब करीब 12 से 15 किलोमीटर ये कह रहे हैं हम कवर करेंगे आराम आराम से, और 12 से 15 किलोमीटर कवर करके हम लोग वापस जाएंगे एलएपी सिटी में। और आप ये आसपास देख पा रहे होंगे, एक बार प्लीज़ उधर दिखाइए, आसपास आप देख पा रहे होंगे ये बड़े बड़े जहाज़ भी हैं इसमें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कितना गहरा ये पानी होगा, जितना बड़ा जहाज़ यहाँ पर आ गया। और इसके अलावा देख पा रहे होंगे आप, ये हाउस बोट्स हैं। हाउस बोट्स में यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर ठहर सकते हैं 24 घंटे के लिए, आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं, यहाँ पर फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर बहुत अच्छा एलएपी का एक्सपीरियंस है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं कल कन्याकुमारी में, और आज भी एलएपी हम लोग काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मिलते हैं, थैंक यू, बाय। वो पैसेंजर बोट जो है वो यहाँ पर आती है, और ये सब लोग जब बाहर जाना चाहते हैं अपना कुछ ख़रीदारी करने या अपना कोई काम करने, तो ये लोग उस बोट में बैठ करके भी जा सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, केरला बोट वहाँ पर खड़ी थी, और ये देखो कितनी सुंदर और हाउस बोट है, खूबसूरत बोट नजर आ रही है। तो इस तरीके के जेटी पॉइंट बने होते हैं जहाँ पर यहाँ की जो सभी जो यहाँ के लोग जो जाना चाहते हैं वो यहाँ पर अगर बैठ जाते हैं बोट की वेट करते हैं, और जब बोट आ जाती है तो वो इस बोट में बैठ करके आगे निकल जाते हैं। ये वो जेटी बोलते हैं जहाँ पर पॉइंट होता है, वो होता है बस स्टॉप हो गया। हाँ, ये देखिए यहाँ पर ये हाउस बोट है, बहुत अच्छी खासी हाउस बोट है, एसी वगैरह सब लगे हुए हैं, प्रॉपर किचन है। तो अभी इन्होंने हमें लंच के लिए, यहाँ पर रेस्टोरेंट है यहाँ पर लेके आए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ का लंच ट्राई करेंगे। बोले कि यहाँ पर केले के पत्ते पर आपको खाना प्रोवाइड करेंगे, तो हम लोग ट्राई करेंगे केले के पत्ते पर वेजिटेरियन साउथ इंडियन थाली। हाँ, ओके, ये क्या है, अचार,
ये क्या सब्जी है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, अच्छा। ये क्या है? छोले। वो सबका मिक्स होता है, वो टोमेटो एंड दही का मिक्स। टोमेटो एंड दही का मिक्स, ओके। लुकने लुक वाइज तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग एंजॉय करते हैं साउथ इंडियन थाली, और मैं आपको खा के बताता हूँ कैसा है ये। बहुत लाजवाब सांभर है, बहुत लाजवाब सांभर है, बहुत मजेदार सब्जी है। वाह, मीट माई न्यू फ्रेंड, इनका नाम है चंपक। तो ये चंपक जी से आप मिलिए, हमारे नए दोस्त बने हैं यहाँ पे। चंपक देखो, चंपक देखो, मुझे चुप था बोलते। चंपक देखो, चंपक उधर उधर देखो, उधर देखो चंपक, हमारे नए दोस्त। हाँ आज तक तो गाइस, बहुत शानदार लंच एंजॉय करने के बाद और चंपक जी से मिलने के बाद हम लोग वापस निकल चुके हैं यहाँ से आगे के बैकवाटर्स को देखने के लिए। और हमारे ड्राइवर साहब भी बहुत मजे से, सर बढ़िया बढ़िया तो हमारे ड्राइवर साहब भी खूब एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, उन्होंने भी लंच किया और बहुत मज़े से हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। और हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। कहते हैं ड्रीम्स में बड़ी ताकत होती है, और वो कहते हैं कि अगर आप सपनों को देखते रहे और सपनों को भूले नहीं तो आपके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और ऐसा ही मेरा एक सपना आज पूरा हुआ, और मैं अभी हूँ LP में बैकवाटर्स में, और अपनी पर्सनल बोट बुक करके हम लोग घूम रहे हैं LP बैकवाटर्स में। और आप देख पाएंगे चारों तरफ शानदार नज़ारा है, चारों तरफ पानी ही पानी है। बीच में ये जो धरती का जो पार्ट नज़र आ रहा है, इसमें लोगों के घर बसे हुए हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं, इनको कहीं भी आना जाना है तो ये बोट के सहारे ही आते जाते हैं। और ये ड्रीम था मेरा कि मैं इस तरीके से बैकवाटर्स में बैठ करके बोट में, अपनी पर्सनल बोट में घूमूं, और वो मैं आज सपनों को पूरा कर पा रहा हूं। और ये केवल RCM बिजनेस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि RCM बिजनेस कंप्लीट पैकेज है, लॉट ऑफ मनी विद लॉट ऑफ टाइम, गुड हेल्थ एंड सिक्योरिटी। तो ये चारों चीज़ों का समावेश RCM बिजनेस में है। आपको भी यही कहना चाहूँगा कि RCM बिजनेस को बड़े दिल से, लगन से सीखने की, समझने की कोशिश करें, और उसके साथ साथ लगातार इस पर काम करें, लगातार RCM के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आपके सभी सपने पूरे होने वाले हैं। आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो RCM परिवार में आपका स्वागत है, आप आएं और आओ मिलकर काम करें, इस देश का ऊंचा नाम करें। गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी की वजह से बिगड़ चुकी है जो इस देश की तस्वीर, RCM बिजनेस के माध्यम से फिर से इस देश को आबाद करें। तो आप देख पा रहे होंगे RCM बिजनेस की वजह से आज हमारे सभी सपने पूरे हो रहे हैं, और बहुत अच्छी ज़िंदगी हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी हम लोग जी पा रहे हैं। तो आइए, आपका स्वागत है RCM परिवार में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय RCM। ये वो है ना हाउस बोट रहने के लिए। पानी ऊपर तक आ जाता है, हाँ ऊपर घटता बढ़ता रहता है, भाई इसी में ही रहता है पानी।
तो ये अभी हम लोग सबसे बड़ी लेक जो यहाँ की है वहाँ आ चुके हैं और बहुत अच्छा देख पा रहे होंगे यहाँ पर नज़ारा। तो गाइस हम लोगों की बहुत शानदार अभी ये बोट राइड चल रही है बैक वाटर्स की। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है, आस पास घर है और अभी भी चार सौ मज़ार भी देखने को मिल गए हैं। तो हमें तो बैक वाटर्स में भी आरसे मज़ार है, बहुत अच्छा लगा ये देखकर। आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये नज़ारा है और हम लोग खूब एंजॉय यहाँ पर कर पा रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है और अभी हम लोगों ने जहाँ पर खाना खाया, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको पूछा कि आपके घर के पीछे क्या है, उन्होंने बोला घर के पीछे भी ऐसा ही है। इट मीन्स के ये बैक वाटर्स के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो जिसमें खेत भी हैं, जिसमें घर भी हैं, और इन लोगों को अगर कहीं बाहर जाना है इस एरिया से या फिर इस जगह से उस जगह जाना है तो इनको या तो अपनी पर्सनल बोट रखनी है या फिर यहाँ पर सरकारी बोट्स आती हैं, जो जैसे हमारे यहाँ पे बसीज होती हैं ऐसे यहाँ पर बोट्स होती हैं। हर बंदा अपनी अपनी टिकट लेकर के, ये जट्टी पॉइंट्स बने हुए हैं, एक बार आप दिखाओ वहाँ पे, ये जट्टी पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पर लोग आकर के बैठ जाते हैं और अपनी वेट करते हैं अपनी बोट की, और बोट आती है जो सवारी गाड़ी हो, सवारी बोट होती है उसमें आते हैं, क्योंकि ये जो बोट चल रही है हमने लिया, ऐसे प्राइवेट बेसिस पे भी यहाँ पर अपनी अपनी बोट्स लोग हायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आप एक्टिवा देख पा रहे हैं, इसको एक्टिवा टू व्हीलर्स देख पा रहे हैं, ये टू व्हीलर्स भी बोट में रख के ही यहाँ ले आते हैं ताकि इस आइलैंड के अंदर अगर इनको कहीं आना जाना है तो अपने एक्टिवा अपने टू व्हीलर को ये बाइक को अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं इस आइलैंड के अंदर। तो ये बैक वाटर्स के अंदर छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारे आइलैंड है। इतनी थोड़ी सी देर में मुझे इतनी सी जानकारी यहाँ पर ज़रूर मिली है कि ये 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इसमें बहुत सारा, इसमें 100 स्क्वायर किलोमीटर में पानी ही पानी है और बीच में थोड़े थोड़े स्पेसेस पे ये आइलैंड्स हैं। इतनी नॉलेज मुझे यहाँ पर मिली है और एक अलग ही दुनिया मुझे लगी। मैंने सुना बहुत था बैकवाटर्स ऑफ केरला के बारे में, लेकिन लाइवली आज जो मैं देख पा रहा हूँ, आज जो मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ, ये अपने आप में ही एक बहुत प्रकृति का शानदार चमत्कार कह सकता हूँ मैं इसको। और एक बात और मुझे पता चली है, ये जो पानी जिस पर ये नदी तैर रही है जिसमें खारा पानी है, समुद्र का पानी है, लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर अगर आप बोरिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहाँ पर मीठा पानी निकलता है। क्या प्रकृति का नज़ारा है, अच्छी वाली खेती हो रही है, इसके अंदर खेत भी हैं काफ़ी, तो जितना सुंदर नज़ारा, मैं तो कहता हूँ कि अगर हम इंडियन हैं तो हमें कम से कम एक बार तो LP साउथ इंडिया आ करके देखना चाहिए। बहुत अच्छे से लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर, बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए है।
चलो मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग ये पूरी बोट राइड करके अभी हम लोग वापस अपने वाले कैनाल में आ गए हैं। ये अभी पीछे सड़क भी दिखने लग गई है वापस हमें, और वापस आ गए हम लोग अभी अपने कैनाल पे। तो आप देख पा रहे होंगे हम इस कैनाल से होते हुए वापस जहाँ पर हमने ये जेटी से ये बोट ली थी वापस वहीं जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग लंच पे जाएंगे। लंच मैं तो कर चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से साउथ इंडियन फूड कुछ खाने का मूड बन रहा है, तो जाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे और शाम को LAP की लोकल मार्केट घूमेंगे। तो बहुत अच्छी हमारी यात्रा रही और बहुत शानदार यादों के साथ हम लोग विदा लेंगे अभी LAP बैकवाटर से, और बहुत जल्दी सपने लेकर उम्मीद लेकर जाएंगे कि दोबारा यहाँ पर आएँ और बड़ी वाली बोट में स्टे भी करें और कुछ दिन यहाँ पर बिताएं। और आप भी ज़रूर LAP विज़िट करें, यहाँ की बैकवाटर्स एंजॉय करें, आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे लिखा है स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये इसमें सब चेयर्स लगी हैं अंदर, और आराम से लोग इसमें बैठ करके सब जाते हैं और अपने अपने जगह पे जाते हैं। ये भी एक और बोट है, पैसेंजर बोट, इसमें भी आप देखिए ये लोग जाते हैं अलग अलग जगह पे। एक वो टिकट काटने वाला भैया भी खड़ा होगा, वो खड़े टिकट काटने वाले भैया भी खड़े हैं, वो आप सबकी टिकट काटते हैं यहाँ पे। ये भी सवारी गाड़ी है, सवारी बोट। ये वापस अपने कैनाल की तरफ हम आ चुके हैं। बहुत शानदार यात्रा रही है हमारी ये वाली। ट्राई कर रहे हैं, मैंने अभी ट्राई किया, बहुत अच्छा है। उन्होंने केले को, कच्चे केले को प्रेस करके उसको पकोड़े की तरह डाल दिया, मुझे हंसी आ रही है लेकिन स्वाद है, टेस्टी है। उन्होंने कच्चे केले को प्रेस करके और तल दिया है, लेकिन मिठास है इसके अंदर और मुझे तो अच्छा लगा, आई लाइक इट। इसका जो आफ्टर टेस्ट है वो अच्छा है, लेकिन थोड़ा जीव सा लगता है, अब केले को तलोगे तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छी, गुड, बहुत बढ़िया। तो खाते हैं हम केला फ्राई।